हेलो बच्चों, कैसे हैं? माय सेल्फ फ्रॉम विश्वास और मैं आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो सभी अभी एक नए क्लास टेंथ में आ चुके हैं और क्लास टेंथ का हमारा सफर शुरू होने वाला है। और इस सफर को मजेदार बनाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी सीबीएसई के सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं चैप्टर्स, उनको यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। तो सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जो बना है उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए, ये सब तो बातें हो गई, फालतू बातें हो गई, अब हम काम करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर द सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन इफ। लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन इफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डेली लाइफ में है उसके कुछ सिचुएशन को आप सिचुएशन को सोचिए, अगर ऐसा किए तो क्या हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ एंड थिंक, और सोचिए अगर ये सिचुएशन हुआ तो क्या हो। अगर इफ पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। बी एन आइस क्यूब इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। थर्ड, ए पीस ऑफ आयरन, ए पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट या कैप्ट इन ह्यूमिड एटमोसफियर। चौथा सिचुएशन, कुकिंग ऑफ फूड। पांचवा सिचुएशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। छठवा सिचुएशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स। तो ये सभी सिचुएशन को हमको कंसीडर करना है वन बाय वन। सपोज मिल्क या दूध को अगर हम रूम टेम्परेचर में छोड़ दें, कब, गर्मी के मौसम, तो क्या होता है? अपने आप लोगों को, सभी को पता है क्या होता है, जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस सिचुएशन मिल्क टर्न्स टू कर्ड, मिल्क टर्न्स टू कर्ड। सेकंड सिचुएशन, आइस क्यूब को अगर हम बाहर रख दें तो क्या होगा, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आइस क्यूब किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड। तो इट्स मेल्ट। तो समझ में आइए, तो यहां पे क्या होगा, आइस क्यूब मेल्ट गया। ए पीस ऑफ आयरन इज केप्ट इन ह्यूमिड एटमोसफियर, तो क्या होगा, आयरन गेट रस्ट। आयरन को क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, तो रॉ फूड जो होता है वो क्या होता है, पक जाता है, कुकिंग होने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुकिंग ऑफ फूड इसका तो कंप्लीटली चेंज है ना, कंप्लीटली चेंज टू अनदर सब्सटेंस, कंप्लीटली चेंज टू अनदर सब्सटेंस। देखो, खाना खाने से पहले बैगन, आलू, गोभी, उनको देखो, और खाना बनाने के बाद, पकने के बाद उनको देखो, तो वो क्या होते हैं, फुल्ली जो होते हैं वो तो दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। खाना बनाने से पहले वो कैसा दिखता है और खाना बनाने के बाद कैसा दिखता है, दोनों चेंज हो गए, तो फुल्ली चेंज है ना, चेंज हो जाता है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, ठीक है, पहले कच्चा होता है बाद में वो पक जाता है, कच्चा फ्रूट को ले लो, पक्का फ्रूट को ले लो, तो क्या होगा, इसका जो कलर होता है, टेस्ट होता है, ऑल दिस चेंज है ना, कलर ऑफ फ्रूट एंड टेस्ट
फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन करेंगे ग्रेप्स का, फर्मेंटेशन करेंगे तो यहां से क्या होगा, वो एक अलग न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स चेंज या ऑर्डर, ऑर्डर टेस्ट चेंज। तो फर्मेंटेशन करने के बाद इसका ऑर्डर और टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो नाइन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स अस अबाउट चेंज। ये जितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने अभी देखे, चाहे इस पहले वाले ऑब्जर्वेशन को देखो, सेकंड वाले को देखो, थर्ड वाले को देखो, फोर्थ वाले को, किसी को भी देखो, तो सभी के सभी हमको एक ही चीज बता रहे हैं कि सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। ऑल दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स अस अबाउट चेंज। तो अगला जो है हम लोग चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज क्या होता है। तो आप मुझे सुनो कर लीजिए, मैं अभी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको रख करने वाला हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। चल आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीन शॉट या फिर आपने इसको देख लिया होगा। पहला चीज, आप नए क्लास में आ चुके हो, नए चैप्टर पढ़ रहे हो, नए तरीके से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है नोट्स प्रॉपर। नोट्स प्रॉपर रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको प्लीज नोट्स जरूर बनाए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपका जो नोट्स होगा, खुद का जो नोट्स होगा, खुद जो लिखेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, बाकी मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे चैनल्स हैं या ऐसे जो है वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे बेटर अगर आप खुद नोट्स बनाएं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एज यू विश। मेरा एक ओपिनियन देने की बात थी, मैंने ओपिनियन दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चेंज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। चेंज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो चेंज बेसिकली दो तरीके का होता है। चेंज आर आर टू, फिजिकल चेंज और एक हमारे इसका जो भाई है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, चेंज उसके दो बेटे हैं, एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। दोनों जुड़े हैं लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। तो फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, एक एक करके उसके पॉइंट्स नोट करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। पहला चीज इनको, दिस इज अ टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, जबकि अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है एट नॉर्मल कंडीशन, या हम बोलेंगे कि परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, दिस इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, इसके बीच में बाउंड्री है ना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल जो चेंज होता है, पहले वाले पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज में अगर टेम्पररी चेंज, टेम्पररी चेंज का मतलब क्या होता है कि वो परमानेंटली नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आइस क्यूब की बात मैंने की थी, आइस क्यूब को अगर मान लो मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम चाहें तो इस वाटर को दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्या कर सकते हैं, जब मन करेगा तब उसको आइस को वाटर और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्परेरी चेंज। जबकि अगर हम बात करें इसको, परमानेंट चेंज होता है, कैसे होता है, जैसे खाना बना लिया, फिर एक पेपर ले लिया, पेपर को आग लगा दी, पेपर को आग लगा दी, पेपर को आग लगा देंगे तो क्या बचेगा, राख। अब बोलेंगे भैया इसे पेपर बना लो, क्या बन सकता है, क्या बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनाना, क्योंकि वो परमानेंट चेंज है। समझ में आ गया, तो ये टेम्परेरी चेंज, दिस इज अ परमानेंट चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज रिवर्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया रिवर्सिबल, यहां से वहां, वहां से उठ के यहां, बट दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। समझ में आ गया, एट नॉर्मल कंडीशन, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ही वो कभी वापस नहीं आएगा, है ना, लेकिन कभी कभी आपने सर्टेन कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो हो सकता है चेंजेस वापस से हमको रिटर्न हो जाए, रिवर्सिबल हो, मतलब वापस हमको मिल जाए। समझ में आ गया। थर्ड जो होता है, इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म,
नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे, ठीक है, नया सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे। जैसे मान लो कोई चेयर है, ठीक है, अब चेयर जो है उसको मैंने मोड़ दिया, तो चेयर से टेबल थोड़ी बन जाएगा, वो चेयर का चेयर ही है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, समझ में आ गया। जबकि यहां पर क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस वे फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस वे फॉर्म, समझ में आ गया। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ये तीन मेन डिफरेंस है जिनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने बात कर लिया चेंज, दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमको बेसिकली इस केमिकल चेंज के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तो आगे लिखेंगे यहां केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज इन एवरी केमिकल चेंज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस या ए रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन एवरी केमिकल चेंज अ रिएक्शन इज इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। व्हेन दिस रिएक्शन इज रिटन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलास when this reaction is written by using symbols and formulas then the expression is called chemical equation then the expression is called chemical equation to yahan pe ye ek term hamare paas ho gaya chemical reaction aur ek ho gaya chemical equation theek hai। तो यहां पे ये दोनों को मैंने कैसे डिफाइन करना है उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। इन एवरी केमिकल चेंज ए रिएक्शन इज इन्वॉल्व, जितने भी केमिकल चेंज हम देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहां बोल सकते हैं जो भी रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज है उस केमिकल चेंज को होने के लिए जो रिएक्शन हुआ होगा उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल तो ये क्या कह रहा है हमारा केमिकल इक्वेशन, समझ में आ गया। तो ऑल दीज आर लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने यहां तक समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी बुक में आपके दिए हुए हैं उन एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। तो पहला तीन हम लोग बेसिकली यहां तीन एक्टिविटीज देखेंगे, पहला एक्टिविटीज, दूसरा एक्टिविटीज, तीसरा एक्टिविटी, तो मैं भाई सभी को स्टडी करेंगे, ठीक। हेडिंग हो जाएगा एक्टिविटीज। तो पहला एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर वन, नंबर वन अगर हम लोग बात करें, एक्टिविटी नंबर वन यहां पे बस इसको मिटाते जाएंगे, है ना, एक्टिविटी नंबर वन, ठीक है। एक्टिविटी नंबर वन में क्या है, पहला रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ये हमारा जो है क्या है, एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके जो है हम लोग लिखेंगे टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, टेक ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकेंड जो है हमारे पास क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर। थर्ड हमारा बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन बाय यूजिंग बर्न, बाय यूजिंग बर्न। फोर्थ कलेक्ट द वाइट पाउडर फॉर्म
या इसको एस एस भी बोल सकते इन वाच क्लास, इसको एश इधर फोकस पाउडर, इसको एश फॉर्म इन वाच क्लास। इसमें क्या होगा, देखो एक हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा देंगे, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा हो गया, ठीक है। इस मैग्नीशियम के टुकड़े को हम लोग टोंग के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, चिमटा जिसको बोलते हैं टोंग, टोंग के थ्रू इसको हम लोग पकड़ लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बर्नर लगाएंगे, ऐसा कुछ बर्नर होगा, यहाँ पे आग जलता रहेगा ऐसा आग, अब इसमें हम इसको चलाएंगे और नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाच ग्लास यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। वाच ग्लास तो यहाँ पे जो होगा जितने भी ऐसे वो यहाँ पे गिरेंगे, इस वाच ग्लास में गिरेंगे, जलने के बाद इस वाच ग्लास में ये गिरेगा। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम रिपर और ये हो गया हमारा बर्नर, ये हो गया हमारा वाच ग्लास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी इसके पाउडर है उस पाउडर को कलेक्ट करेंगे। अब ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे यहां तक हम लोग नोट कर लिए हैं, तो आगे लिखेंगे इसको, मैं मिटा रहा हूं ये डायग्राम को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आगे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन 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 मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू गिव अ टू गिव्स अ वाइट पाउडर दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस व्हाइट पाउडर, ये जो व्हाइट पाउडर है इसको, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और खास बात इसमें क्या है पता है, मैग्नीशियम जो होता है इसका रिबन को जब बर्न करने से पहले अगर वेट करेंगे और बर्न करने के बाद अगर इसकी एच को वेट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो बर्न करने से पहले वो हल्की होती है, बर्न करने के बाद उसका वेट बढ़ जाता है, समझ में, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके साथ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो चुके। तो इसको रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2MgO, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसमें खास बात क्या है, जो एयर था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका था, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर ध्यान देखेंगे तो देखो ये क्या है, सॉलिड है और ये क्या है, गैस है और ये जो है ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, सॉरी ऑक्साइड के फॉर्म में ये सॉलिड बन चुका है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अभी ये धीरे में आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। लोड वगैरह रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसको भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी बस इतना नोट कर लो, बस समझ लो कि चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, पहले ये सॉलिड था ये गैस था और दोनों यहाँ पर कंबाइन होगा और टोटली जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब ये जो गैस था वो भी सॉलिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। तो इतना आप नोट कर लीजिए, चल बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर टू जो है वो है लेट रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयन, आयन। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कोसियम, कोसियम तो यहां पर क्या करेंगे, एक लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, दूसरा एड सम पोटेशियम आयन इन द टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट। तो
पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ध्यान दूँ। ये हमारा हो गया प्यारा सा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में पहले हमने क्या किया, हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रखा है, लेड नाइट्रेट। अब इसके ऊपर यहाँ से हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने मिलाया है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया है। मिलाने का थोड़ा बहुत जो है उसको शेक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको शेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मान हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो अगला जो है ऑब्जर्वेशन, यहाँ नोट करो, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड टू फॉर्म लेड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड टू आयोडाइड, ठीक है, टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड टू आयोडाइड। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट is soluble, whereas lead to iodide gives precipitation or gives yellow precipitation, yellow precipitation, precipitation, yellow precipitation। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लेड नाइट्राइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और ये क्या करने के बाद देखो पोटेशियम नाइट्राइड जो है, पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो क्या है, सॉल्युबल, जबकि लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैचिंग यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो भाई, मार जाता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 करने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 3 रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुल्स विद डाइल्यूट एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लास्क लेंगे, पहला इसमें है टेक ए फ्लास्क, टेक अ फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रैनुल्स, एड डाइल्यूट एचसीएल with the help of drop, with the help of drop, ठीक है, ये होगा प्रोसीजर। उसके बाद हमारा जो है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल जाएगा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जिंक रिएक्ट विथ, जिंक रिएक्ट विथ डायोड एलसीएल टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड अ कलरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व्स एंड द फ्लास्क गेट एट द फ्लास्क गेट ऑफ, सो द गैस विच इवॉल्व फ्रॉम द फ्लास्क इज हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट गिव्स पॉप अप साउंड व्हेन
when a burning matchstick kept near to mouth of us. Also, this is an exothermic reaction because the temperature of glass rises. तो यहां पे हमको दो चीज देखने को मिला है, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल रहा है, और कैसे पता चला हम लोग हाइड्रोजन गैस है, उस फ्लास्क के माउथ के पास जैसे हम लोग मैचस्टिक लेके जाएंगे ना, बल्ब जलता हुआ, ठीक है, तो पॉपअप साउंड के साथ क्या होगा, फूटे, समझ में, पॉपअप साउंड हमको दिया. Also, this is exothermic reaction. Exothermic reaction यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका temperature rise हो जाता है. जब temperature rise हो जाता है, तो उस reaction को हम बोलते हैं exothermic. और जब temperature fall हो जाता है, downfall होता है, तो उसको हम बोलते हैं endothermic reaction. ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग note कर लीजिए. बहुत बढ़िया. Reactions is about the changes takes place. है ना? और वो सभी बोले हैं कि chemical reaction जो है, वो हुआ है. All these indicates the chemical reaction takes place. All these observations, all these observation indicates that a chemical reaction takes place. क्या क्या वो observations क्या कहते हैं? पहला देखो, पहला जो हमने लिखा था, change in state. दूसरा हमने लिखा था, जो कि लिखा था एक बार लिख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर. थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. फोर्थ, चेंज इन कलर. फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. देखो, ये जितने भी मैंने यहां पे लिखे हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑल दीज आर इंडिकेटर्स, ऑल दीज आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ये सभी को देख के हम बोल सकते हैं कि यहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुए हैं. ऑल दीज आर इंडिकेटर्स. समझ में आ गया? वेरी गुड. नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं. तो हाउ डू वी मेक अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. पहले तो इक्वेशन के बारे में समझाता हूँ, है ना, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं. केमिकल इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले जो है ना, व्हेन केमिकल रिएक्शंस वेर रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला then the expression is called chemical equation. Then the expression is called chemical equation. For example, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, तो हमने देखा था मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो यहाँ पे क्या है, दो साइड्स होते हैं, ये एरो है, this is arrow. इसका डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है. मतलब एरो का डायरेक्शन जहां होता है वो होता है प्रोडक्ट साइड. दिस इज प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट. और एरो के इधर ये जो होता है, ये होता है रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है. एरो के इस तरफ रिएक्टेंट साइड, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट साइड. जितने भी इस तरफ जितने भी कंपाउंड बने वो सभी के सभी प्रोडक्ट होंगे. इसके इधर तक जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, जितने भी कंपाउंड होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? रिएक्टेंट. समझ में आ गया? अब यहाँ पे खास बात जो है, ध्यान से देखो, इसको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिखा है. मैग्नीशियम वर्ड में लिखा है, ऑक्सीजन वर्ड में लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी वर्ड में लिखा है. तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन. दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन का अगर कभी पूछा जाए कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, है ना. एंड अगर मान लो इसको सिंबॉल के फॉर्म में, इसको देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे Mg plus O2 gives you MgO। अब इसको बैलेंस कर लेंगे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। बैलेंस करना हम लोग आगे सीखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो ये हमारे पास हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया, इतना हो गया केमिकल इक्वेशन, समझ में आ गया रिएक्टेंट साइड, समझ में आ गया प्रोडक्ट साइड, समझ में आ गया एरो। एरो हमको बताता है कि क्या पहले था, इनिशियली वो क्या था और बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बाद वाला प्रोडक्ट क्या था। ये इनिशियल है, इनिशियल इनिशियल सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस, और ये जो है क्या है फाइनल आफ्टर रिएक्शन फाइनल सब्सटेंसेस फाइनल। बाद में बीच में और भी कई सारे स्टेप हो सकते हैं, यहां से यहां बना यहां से यहां बना, लेकिन फाइनल जो है उसको लिखते हैं यहां पे, फाइनल सब्सटेंसेस को यहां पे लिखा जाए। समझ में आ गया, इतने सारी बातें हमने यहां पे कर ली है। आगे इसके आगे हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आएगा हाउ टू बी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है जो आगे हम पढ़ेंगे अगला जो होगा हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। How do we make chemical equation more informative? तो ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसके बाद बैलेंसिंग आएगा, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। लेकिन जितना इजी ये चैप्टर हमको दिखाई दे रहा है उतना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको कराऊंगा, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए गुड बाय, टाटा।